हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम फिजिक्स के लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो ये जो फिजिक्स के लेक्चर है ये नीट JEE और 11th 12th सबको यूज़फुल रहेंगे। तो फर्स्ट अपना जो चैप्टर है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट, और इस चैप्टर के सभी कंटेंट देखिए JEE के सिलेबस में आपको मिलेंगे, नीट के सिलेबस में मिलेंगे, और 11th क्लास का जो सिलेबस है फिजिक्स का उसमें भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको तीनों एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होंगे। मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, उसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको थ्योरी के पॉइंट भी समझा कर दूंगा, ताकि अगर आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए हेल्पफुल हो, और थ्योरेटिकल मटेरियल अगर आपके पास रहता है तो आपको रीड करने के बाद समझने में क्या होती है, आसानी होती है। ओके, तो देखिए पहले फिजिक्स यानी क्या वो समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए काफ़ी आसान है। देखिए नेचर में हमारा जो नेचर है वो बहुत ही कलरफुल और डाइवर्स नेचर है। ठीक है, और इस नेचर में बहुत से फिनोमिनॉस और इवेंट होते रहते हैं। फिनोमिनॉस और इवेंट का मतलब क्या हुआ, बहुत सी नेचुरल घटनाएं जो है वो हमारे नेचर में होते रहती है। अब देखिए नेचर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि वाटर ले लीजिए, एयर ले लीजिए, सॉइल ले लीजिए, रॉक्स है, बहुत सारे नेचुरल्स ऑब्जेक्ट हमारे नेचर में क्या है, अवेलेबल है। अब कुछ फिनोमिनॉस या इवेंट्स की हम बात कर लीजिए जो नेचर में आए दिन होते रहते हैं, यानी नेचुरल जो घटनाएं होती है उसे ही मैं फिनोमिनॉस या इवेंट कह रहा हूँ। अब देखिए कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं नेचुरल इवेंट्स के, जैसे देखिए ऑर्बिटिंग द मून अराउंड द अर्थ, मून जो अर्थ के अराउंड घूमता रहता है एक नेचुरल इवेंट है। देखिए एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, अगर कोई एप्पल ट्री से नीचे गिर रहा है तो ये भी एक नेचुरल इवेंट है, नेचुरल घटना है ये। और अगर हम एग्जांपल ले लें तो देखिए टाइड्स इन अ सी ऑन फुल मून नाइट, ठीक है, वो भी एक नेचुरल इवेंट, एक नेचुरल घटना है। ऐसे कितने ही नेचुरल इवेंट डेली लाइफ में हमारे साथ होते रहते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इस सभी नेचुरल इवेंट को ऑब्जर्व किया, जितनी भी घटनाएँ ये नेचर में हो रही है, ठीक है, उन सभी घटनाओं को, इन सभी नेचुरल फिनोमिनॉस को या फिर इवेंट को इन साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ऑब्जर्व किया। और ऑब्जर्व करने के बाद में इनको ऐसा लगा कि ये जो नेचुरल घटनाएं हो रही है, ये सभी नेचुरल घटनाएं कोई रूल्स फॉलो कर रही है या फिर कोई लॉज ये फॉलो कर रही है, ऐसा इन्हें लगा साइंटिस्ट लोगों को। तो ठीक है, फिर अगर ये घटनाएं हो रही है नेचुरल घटनाएं, अगर ये कोई रूल्स फॉलो कर रही है नेचुरल घटनाएं, तो ये किसके रूल फॉलो कर रही है। ठीक है, जितने भी घटनाएं नेचुरल नेचर में होती है या फिर इवेंट कह लीजिए, जितने भी नेचर में होते हैं, तो ये किसके रूल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, फिर इन्हें लगा कि ये जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं ये नेचर के रूल्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नेचर के लॉज ये फॉलो कर रहे हैं, जितने भी घटनाएं नेचर में होती है तो ये घटनाएं, ये इवेंट नेचर के रूल फॉलो करते हैं या फिर नेचर के लॉज फॉलो करते हैं, ऐसा साइंटिस्ट को रियलाइज हुआ। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, इस नेचर के रूल्स को या फिर ये नेचर के लॉ, इनको रिवील करने के लिए, रिवील यानी जानने के लिए, समझने के लिए एक साइंस की ब्रांच क्या की, इंट्रोड्यूस की, और उस ब्रांच के अंदर इन्होंने साइंस के नेचर के रूल को क्या किया, समझने की कोशिश शुरू की। और ये जो साइंस की ब्रांच है जिसे इंट्रोड्यूस किया गया नेचर के रूल को समझने के लिए, यानी एक्चुअली नेचर को समझने के लिए, उसी साइंस के ब्रांच को हम कहते हैं फिजिक्स। आजकल में फिजिक्स किसे कहते हैं, शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द नेचर एंड इट्स लॉ। फिजिक्स साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम नेचर को और नेचर के लॉ को स्टडी करते हैं, यानी नेचर में जितनी भी घटनाएँ हो रही है तो ये घटनाएं नेचर का कौन सा रूल फॉलो कर रही है, नेचर का कौन सा लॉ फॉलो कर रही है, इसे समझने की कोशिश हम फिजिक्स में करते हैं। ठीक है, आया आपके समझ में, तो बहुत ही आसान है फिजिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, अब थ्योरेटिकल पॉइंट से मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि फिजिक्स किसे कहते हैं। ओके, थ्योरेटिकल पॉइंट आपके सामने, जैसे व्हाट इज फिजिक्स, तो पहला पॉइंट क्या है, द नेचर अराउंड अस इज अ कलरफुल एंड डाइवर्स। हमारे जो सराउंडिंग में जो भी नेचर आपको दिख रहा है वो बहुत ही कलरफुल और डाइवर्स है। सेकंड, नेचर, इन नेचर देयर आर वेरियस फिनोमिनॉस और इवेंट्स आर ऑकर्ड। तो ये नेचर में बहुत से फिनोमिना या फिर इवेंट, समझ लीजिए कि नेचर में बहुत सी घटनाएं, नेचुरल घटनाएं होती रहती है। ठीक है,
that there are various objects in a nature like water, soil, air, etc. बहुत सारे objects nature में क्या है, available है, ठीक है। अब देखिए some phenomena और event, जो मैंने आपको phenomena के example बताए वही है, जैसे orbiting of a moon around the earth, earth के surrounding में moon घूम रहा है। Second है falling an apple from a tree, एक apple tree से नीचे गिर रहा है। बाद में tides in a sea on a full moon night, ठीक है, जो टाइड्स आती रहती है सी के फुल मून नाइट में। अब नीचे का पॉइंट देखिए जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस नेचुरल इवेंट, इन सभी नेचुरल इवेंट को ऑब्जर्व करने के बाद क्या हुआ, द साइंटिस्ट रियलाइज दैट, साइंटिस्ट को ऐसा रियलाइज हुआ, उन्हें लगा कि दिस इवेंट्स फॉलो सम बेसिक रूल्स और लॉज ऑफ द नेचर। इन सभी घटनाओं को देखने के बाद साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि ये जो घटना है, ये जो नेचुरल इवेंट्स है, ये नेचर के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, ये नेचर के लॉज फॉलो कर रहे हैं, एंड रिवीलिंग दिस लॉज ऑफ नेचर फ्रॉम ऑब्जर्व इवेंट फिजिक्स ब्रांच इज इंट्रोड्यूस। और इन सभी नेचर को लॉ को रिवील करने के लिए, समझने के लिए एक नई ब्रांच को इंट्रोड्यूस किया गया साइंस के, और उस ब्रांच का नाम है फिजिक्स। तो शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। फिजिक्स एक साइंस का ब्रांच है जिसके अंदर हम नेचर के रूल, नेचर के रॉ और नेचर को समझने की कोशिश कहते हैं। शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि नेचर में जो कुछ भी हो रहा है उससे हम सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और हमने बहुत कुछ सीखा है और हम आज भी सीख रहे हैं और आगे भी सीखेंगे। और साइंस की जो ब्रांच है जिसके अंदर हम ये पूरा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो साइंस का ब्रांच यानी क्या हुआ, फिजिक्स हुआ, ठीक है। तो ये थियोरेटिकल पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आप घर पे जब इसे इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको फिजिक्स के बारे में क्या बताया, ठीक है। तो चलो ये हो गया फिजिक्स, व्हाट इज़ फिजिक्स। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जिसका नाम है यूनिट। यूनिट क्या होता है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट लेक्चर हमने देखा कि व्हाट इज़ फिजिक्स, व्हाट इज़ फिजिक्स यानी फिजिक्स यानी क्या है। तो फिजिक्स में हम क्या कहते हैं कि नेचर के लॉ को डिस्क्राइब करते हैं, यानी फिजिक्स नेचर साइंस का एक ब्रांच है जिसके थ्रू हम नेचर में जितने कुछ फिनोमिनॉज या घटना हो रही है हम क्या कहते हैं कि वो घटनाएं एक रूल्स फॉलो कर रही है, एक लॉ फॉलो कर रही है। किसका लॉ, तो नेचर का लॉ वो फॉलो कर रही है, नेचर के रूल्स वो फॉलो कर रही है जितनी भी घटनाएं नेचर में होती है, ठीक है। यानी हम नेचर के लॉ को डिस्क्राइब करते हैं फिजिक्स में, और ये जो डिस्क्रिप्शन होता है ये डिस्क्रिप्शन क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। यानी नेचर के किसी भी लॉ को हम अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन क्वांटिटेटिव है। अब क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन यानी क्या हुआ, ठीक है, वो आपके सामने एक सवाल आएगा। देखिए मैं आपको एक इवेंट बताता हूँ, जैसा अर्थ है और अर्थ के अराउंड मून क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, ऑर्बिटिंग द मून अराउंड द अर्थ। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो नेचुरल फिनोमिना हो रहा है, अब मुझे इसे डिस्क्राइब करना है इस नेचुरल फिनोमिना को, ऑर्बिटिंग द मून अराउंड द अर्थ। तो देखिए मेरे सामने एक क्वांटिटी आती है टाइम, ठीक है, मून अगर अर्थ के अराउंड घूम रहा है तो वो कितना टाइम कवर कर रहा है, एक क्वांटिटी मेरे सामने आ गई टाइम। एक और क्वांटिटी मेरे सामने आती है डिस्टेंस, अगर ठीक है मून अगर अर्थ के अराउंड घूम रहा है तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। एक और क्वांटिटी मेरे सामने यहाँ आती है फोर्स, कि ठीक है ये दोनों के बीच में कितना फोर्स है, कौन सा फोर्स है, ठीक है। यानी किसी भी नेचर के इवेंट को, फिनोमिना को अगर आप डिस्क्राइब करने जाओगे तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्वांटिटी आपके सामने आएगी ही आएगी, ठीक है। आए ख्याल में, जैसा मैं कह रहा हूँ एक एप्पल है, ठीक है, एक एप्पल है और वो एप्पल ट्री से नीचे गिर रहा है ग्राउंड पर, अर्थ ग्राउंड पर, तो कितना फोर्स उस पर लगा, तो देखिए फोर्स वहाँ पर एक क्वांटिटी सामने आ गई, एक्सेलरेशन भी वहाँ पर एक क्वांटिटी सामने आ जाती है, ठीक है, डिस्टेंस भी आ जाता है, कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। यानी किसी भी नेचुरल फिनोमिना, किसी भी नेचर की घटना को अगर आप डिस्क्राइब करने जाओगे तो कुछ क्वांटिटी सामने आएगी, ठीक है। अगर कोई क्वांटिटी सामने आती है, ठीक है, तो उसके बाद में एक क्वेश्चन आ जाता है कि इस क्वांटिटी को हम कैसे मेजर करें, क्वांटिटी को हम कैसे मेजर करें, ठीक है। तो देखिए हम एक्सपेरिमेंटली क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बहुत से इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होते हैं, ठीक है,
और हम क्वांटिटी को इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से मेजर कर लेते हैं और उसे एक्सप्रेस लिखते वक्त उसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, इसमें यूनिट क्या हुआ, इसे यूनिट क्या कहेंगे। ठीक है, देखिए अगर टाइम है, टाइम को अगर मुझे एक्सप्रेस करना है तो मैं कैसे लिखूंगा, अभी कितना टाइम हुआ, तो अभी मैं कहूंगा कि ठीक है 2 आवर अभी हुए, या फिर 4 सेकंड अभी हुए। ठीक है, जितना भी टाइम, अब ये जो हावर है, ये जो सेकंड है, सपोज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मास, ठीक है, मेरा मास कितना है, सपोज़ मैं लिख रहा हूँ हैप्पी 50 kg, तो मैंने देखिए मास को, मास क्वांटिटी को मुझे मेजर करना पड़ा, टाइम क्वांटिटी को मुझे मेजर करना पड़ा। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डिस्टेंस एक क्वांटिटी है, मैंने लिखा कि डिस्टेंस है 5 मीटर। देखिए हर क्वांटिटी को मेजर करना ज़रूरी है, हर क्वांटिटी को मेजर करना ज़रूरी है, उसे हम मेजर करते हैं प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट में और उसे हम लिखते हैं, लिखते हैं यानी हम उसे एक्सप्रेस करते हैं। देखिए यूनिट को, सॉरी, किसी भी क्वांटिटी को हम जिससे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, जिस भी क्वांटिटी को हम इससे एक्सप्रेस करते हैं, या फिर मैं अगर दूसरे भाषा में आपको बताऊँ तो जिस भी क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, ठीक है, मेजर करने के बाद हम उसे एक्सप्रेस करते हैं तो किससे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो उसका नाम है यूनिट। उसका नाम क्या है, यूनिट। आसान भाषा में यूनिट इज़ यूज टू मेजर द क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को हम यूनिट से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, जैसा टाइम देखिए, हावर यहाँ पर यूनिट हुआ, सेकंड क्या हुआ यहाँ पर यूनिट हुआ, केजी क्या हुआ यहाँ पर यूनिट हुआ, मीटर क्या हुआ यहाँ पर यूनिट है। हर क्वांटिटी को यूनिट है, हर क्वांटिटी को क्या है, यूनिट है। विद द हेल्प ऑफ यूनिट हम उस क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। ठीक है, और यूनिट क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड हुआ, ये जो यूनिट है ये एक स्टैंडर्ड होता है, ये क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। यूनिट इज़ अ स्टैंडर्ड यूज टू मेजर द क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने का एक स्टैंडर्ड यानी क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर उसका एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दूँ, ठीक है, स्टेटमेंट भी मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको प्रिपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर स्टेटमेंट पास में होता है तो क्या होता है, घर पे हम प्रिपरेशन इजी कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट क्या है, द यूनिट इज अ स्टैंडर्ड, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड यूज टू मेजर द क्वांटिटी, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड यूज टू मेजर क्वांटिटी, यूज टू मेजर क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने का जो एक स्टैंडर्ड होता है, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड यूज करते हैं, उस स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं, यूनिट। ठीक है, जैसा टाइम का मैंने आपको बता दिया सेकंड, ठीक है, मास का बता दिया, हर क्वांटिटी को क्या है, यूनिट है। आई ख्याल में आपको यूनिट यूनिट कुछ ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं इतना पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि किसी भी क्वांटिटी को हम अगर मेजर कर रहे हैं, उसका अगर हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो यूनिट उस क्वांटिटी को होता है। ठीक है, तो यूनिट एक स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू हम उस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं या फिर उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं हम। ओके, तो अगला टॉपिक हमारा आता है अब क्वांटिटी। ठीक है, मैंने आपको अभी क्वांटिटी के बारे में बताया कि हर क्वांटिटी का यूनिट होता है। ठीक है, अब क्वांटिटी कौन कौन सी है, कुछ क्वांटिटी तो मैंने आपको यहीं पर बता दी, डिस्टेंस है, टाइम है, मास है। ठीक है, कुछ क्वांटिटी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, तो हम क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो क्वांटिटी यानी क्या, ठीक है, मास, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, बहुत सी क्वांटिटीज है, क्वांटिटी किसे कहते हैं पहले ये समझाइए। तो देखिए जिसका भी हम मेजरमेंट ले सकते हैं, जिसका भी हम मेजरमेंट ले सकते हैं उसे ही हम क्वांटिटी कहेंगे। फॉर एग्जांपल टाइम का मेजरमेंट ले सकते हैं, टाइम कितना है, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस कितना है, मास को मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी को कर सकते हैं, एक्सीलरेशन, फोर्स, डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, हर को क्या कर सकते हैं हम, हर इसको मेजरमेंट हम ले सकते हैं और यूनिट के थ्रू हम उसे एक्सप्रेस भी कर देते हैं। ठीक है, तो जिसका भी हम मेजरमेंट ले सकते हैं वो सभी क्या हुए, क्वांटिटी हुए, तो ये चारों क्वांटिटी है। ठीक है, और जिसका मेजरमेंट हम नहीं ले सकते उसे क्वांटिटी नहीं कहेंगे। अब ऐसा कौन है जिसका हम मेजरमेंट नहीं ले सकते, तो आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग,
इसका मेजरमेंट आप नहीं ले सकते, ठीक है, इमोशंस फीलिंग को आप मेजर नहीं कर सकते, तो ये क्वांटिटी नहीं हुई, ठीक है। आगे ख्याल में क्वांटिटी किसे कहते हैं और क्वांटिटी किसे नहीं कहते हैं, पहले हमें यह समझना चाहिए, डायरेक्ट क्वांटिटी नहीं सीखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वांटिटी दो तरह की होती है, क्वांटिटी दो कैटेगरी में डिवाइड की है। एक्चुअली ये क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, और इसे हम मेजरमेंट, देखिए क्वांटिटी होती है एक जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। दूसरी क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी जितने भी क्वांटिटी में अभी आपको बताया, मैंने कुछ आपको बताया इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मास, तो ये दो पार्ट में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं दो कैटेगरी में, ठीक है। तो हम अब पहले सीख लेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं, कौन कौन सी क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसके यूनिट क्या है और उस यूनिट के सिंबल क्या है, ठीक है। अब देखिए दोनों भी क्वांटिटी मैं आपको बताता हूँ समझा कि एट ए टाइम, क्योंकि आपको समझ में आएगी अगर मैं एट ए टाइम आपको बताता हूँ। पहले हम ले लेंगे इधर फंडामेंटल क्वांटिटी, क्यू एन ए क्वांटिटी, ओके। दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वांटिटी है जिसका मेजरमेंट आप डायरेक्टली ले सकते हैं या फिर उसे डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, डिस्टेंस या फिर मैं आपको आसान कहूँ तो लेंथ, डिस्टेंस यानी क्या हुआ, लेंथ ही तो हुई, ठीक है। लेंथ आप इंस्ट्रूमेंट लेके डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, इसका कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता, डायरेक्टली आप उसे डिफाइन कर रहे हैं। अब देखिए डिस्टेंस के बाद में लेंथ, अगर मैं आपको बताऊँ लेंथ के बाद में मास आ जाता है, मास के बाद में टाइम आ जाता है, ठीक है। इन सभी का मेजरमेंट आप डायरेक्टली ले सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, ओके, ठीक है। लेंथ मास और टाइम ऐसे बहुत सी क्वांटिटी है जिसका मेजरमेंट आप डायरेक्टली ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि स्पीड का मेजरमेंट मुझे लेना है, तो मुझे स्पीड के लिए पहले मेजरमेंट लेना होगा, मुझे पहले पता होना डिस्टेंस क्या है और फिर मुझे पता होना चाहिए कि टाइम क्या है। अगर डिस्टेंस और टाइम मुझे पता है तो ही मैं स्पीड का मेजरमेंट ले सकता हूँ, स्पीड को डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। उसी तरह से मैं अगर वेलोसिटी लिख देता हूँ यहाँ पर, तो वेलोसिटी के लिए मुझे पहले डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, ठीक है, और टाइम पता होना चाहिए, तब वेलोसिटी को मैं डिफाइन कर सकता हूँ या फिर उसका मेजरमेंट ले सकता हूँ, ठीक है। बहुत सी ऐसी टर्म है जिसके क्या है एक्चुअली फॉर्मूलेज है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी टर्म है। जैसे मैं आप यहाँ पर फोर्स लिख दूँ तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स को मैं डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं ले सकता, फोर्स को मैं डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे पहले मास और एक्सीलरेशन चाहिए। यानी इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे यह समझ में आ रहा है कि फंडामेंटल क्वांटिटी का मेजरमेंट हम डायरेक्टली ले सकते हैं, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी में जो जितनी भी क्वांटिटी आ रही है उसका मेजरमेंट हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, वो एक्चुअली दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड है। जैसे स्पीड या डिस्टेंस क्वांटिटी पर डिपेंड है और टाइम क्वांटिटी पर डिपेंड है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी और टाइम या क्वांटिटी पर डिपेंड है, फोर्स मास और एक्सीलरेशन ये दो क्वांटिटी पर डिपेंड है। यानी डिराइव्ड क्वांटिटी में ऐसी क्वांटिटी आती है, या फिर डिराइव्ड क्वांटिटी हम इसे कहेंगे जो अदर क्वांटिटी पर डिपेंड है, जो अदर क्वांटिटी पर डिपेंड है। और फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी हुई, जो किसी पर डिपेंड नहीं है, जिसका मेजरमेंट हम डायरेक्टली ले सकते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। अब प्रॉपरली आपको समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट हम डायरेक्टली ले सकते हैं, ठीक है। यानी क्या हुआ, द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, यानी इसका अगर मुझे मेजरमेंट लेना है तो ये किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होती। ऐसी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट मैं डायरेक्टली ले सकता हूँ, जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं है, उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है।
और डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होगी जिसका मेजरमेंट मैं डायरेक्टली नहीं ले सकता, उसके लिए मुझे किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड रहना पड़ रहा है, यहाँ पर उसे कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, ऐसी क्वांटिटी जो मेजरमेंट के लिए किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड है उसे कहेंगे हम डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, स्टेटमेंट के थ्रू मैं आपको फिर से बता, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में आता है कभी भी, ठीक है, अच्छी तरह से। तो फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, हैंड राइटिंग इतनी मेरी खास नहीं है, आपको समझना होगा। ठीक है, तो देखिए द फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते थे, मैंने पहले बताया, द फिजिकल क्वांटिटी विच, स्टेटमेंट को समझिए, विच डू नॉट डिपेंड, विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल, म्हणजे ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरी किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं है, विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, फॉर देयर मेजरमेंट। देखिए ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मेजरमेंट के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं है, ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मेजरमेंट के लिए किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड ही नहीं है, यानी जिसका मेजरमेंट हम डायरेक्टली ले सकते हैं, जिसे हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मेजर हम जिसे कर सकते हैं उसे ही हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, आया समझ में आपको स्टेटमेंट, कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट लेते समय हमें किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं रहना है, डू नॉट डिपेंड ऑन द एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, यानी जिसका मेजरमेंट हम डायरेक्टली ले सकते हैं उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे। अब ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी है सर जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे, यानी जिसका मेजरमेंट हम डायरेक्टली ले सकते हैं, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है, ऐसी कितनी क्वांटिटीज़ है, तो ठीक है मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ ऐसी कौन सी क्वांटिटी है। ठीक है, देखिए पहली है लेंथ। लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका यूनिट है मीटर और जिसका सिम्बॉल है यम। ठीक है, दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, ठीक है, जिसका यूनिट है किलोग्राम, का यूनिट क्या है, किलोग्राम है और इसका सिंबल है केजी। थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी जो है जिसे मेजर कर सकते हैं वो है टाइम, जिसका यूनिट है सेकंड, जिसका सिंबल हम यूज़ करते हैं SEC या फिर कोई SP करता है। ठीक है, फोर्थ जो है हमारी क्वांटिटी वो है टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर जिसका यूनिट है केल्विन, ठीक है, यानी सिंबल है उसका कैपिटल की। फिफ्थ जो हमारी क्वांटिटी है वो है फंडामेंटल क्वांटिटी, वो है इलेक्ट्रिक करंट जिसका यूनिट है एम्पियर और जिसका सिंबल है कैपिटल ई। तो कितनी हुई, पांच हुई, फाइव। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अभी दो बाकी है। ठीक है, तो ये ऐसी क्वांटिटी है जिसका मेजरमेंट आप डायरेक्टली ले सकते हैं, जिसके साथ यूनिट है, हमने बताया था हर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें यूनिट कर जरूरत होती है, मेजर करना या फिर एक्सप्रेस करना हमें यूनिट की ज़रूरत होती है, यूनिट इज़ यूज टू मेजर द क्वांटिटी। तो फाइव क्वांटिटीज हमने देख ली है। ठीक है, सिक्स नंबर की जो क्वांटिटी है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो है कैंडीला और इसका जो सिंबल है वो है CD। और सेवन जो है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट है मोल, इसका सिंबल है MOL। ये क्वांटिटी आपको केमिस्ट्री में ज़्यादा यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी आपके समझ में आ गई है, द क्वांटिटी विच इज डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, ऐसी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट डायरेक्टली ले सकते हैं, जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं है मेजरमेंट के लिए, उसे ही हम कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी सेवन क्वांटिटीज़ है, उसके सेवन यूनिट्स है
और 7 यूनिट के सिंबल है, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट है जो आप और समझ लीजिए फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए, कि यूनिट जो है, जिस यूनिट का यूज़ करके हम फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जिस यूनिट का, अगर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है तो 7 यूनिट आ गए, तो वो 7 जो यूनिट है उसे हम फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। यानी फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ होते हैं उसे फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट लिख देता हूँ, द यूनिट टू मेजर द फंडामेंटल क्वांटिटी फंडामेंटल यूनिट यानी फंडामेंटल यूनिट किसे कहते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए, फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, उसको मेजर करने के लिए 7 यूनिट रहेंगे, तो वो 7 यूनिट क्या हो गए, फंडामेंटल यूनिट हो गए, है ख्याल में, ठीक है। तो आपको कैसा है, 11th के टेक्स्ट बुक में आपको फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट, ये दोनों यूनिट है, आपको क्वांटिटी 7 पता होना चाहिए, उसके यूनिट पता होना चाहिए, उसके सिंबल पता होना चाहिए, क्योंकि आपको नीट JEE या CET में क्वेश्चन आ सकता है उस पर। और ये टॉपिक जो है वो बेसिक टॉपिक है जो आपको बहुत यूज़फुल रहेगा ओवरऑल 12th सिलेबस में, ठीक है। तो डिराइव क्वांटिटी हम अब देख लेते हैं, कि डिराइव क्वांटिटी मैंने आपको पहले ही बताया, जिस क्वांटिटी का हम मेजरमेंट डायरेक्टली नहीं ले सकते, जो क्वांटिटी मेजरमेंट के लिए किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड होती है, उसे क्या कहेंगे, हम डिराइव क्वांटिटी कहेंगे। स्टेटमेंट से समझ लीजिए कि द क्वांटिटी विच डिपेंड, अब ये क्या हो गई, डिपेंड हो गई ना, विच डिपेंड ऑन एनी अदर फंडामेंटल क्वांटिटी यानी फॉर देयर मेजरमेंट, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट अगर हमें लेना है तो वो किसी और फंडामेंटल क्वांटिटी पर क्या है, डिपेंड है। ऐसी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट लेना है तो वो किसी और फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड होती है, उसे कहते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसा आपको मैंने एक बता दिया था एग्जांपल, स्पीड का मेजरमेंट हम नहीं ले सकते डायरेक्ट, क्योंकि ये डिपेंड होती है डिस्टेंस और टाइम पर, और डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिस्टेंस यानी क्या, लेंथ, तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। जब आप डिस्टेंस निकालेंगे, जब आप टाइम निकालेंगे, तभी आपको स्पीड मिलेगा, यानी स्पीड ऐसी क्वांटिटी होगी जो दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड है, ऐसा स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, डेंसिटी है, बहुत सारे ऐसी क्वांटिटी है जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड होती है फॉर देयर मेजरमेंट, उन्हें क्या कहते हैं हम, डिराइव्ड क्वांटिटी। अगर आपको आसान भाषा में समझना है तो एक ट्रिक्स मैं आपको बताते हैं, देखिए जिसका भी फॉर्मूला बना हुआ है, जिस भी क्वांटिटी का फॉर्मूला है वो डिराइव क्वांटिटी है, और जिसका फॉर्मूला नहीं है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो ऐसा भी आप शॉर्ट में समझ कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट मारना ठीक नहीं है, कभी भी हमें उसका कॉन्सेप्ट, उसका नॉलेज पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि CET जो एग्ज़ाम होती है वो आपका नॉलेज और वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करती है, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्चुअली समझना होगा और मैं आपको कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा। अब देखिए, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट है उसे फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट होते हैं उसे क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट करते हैं। तो द यूनिट टू मेजर द डिराइव्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट, उसे क्या कहेंगे हम, डिराइव्ड यूनिट। यानी डिराइव्ड क्वांटिटी किसे कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट किसे कहते हैं, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी पॉइंट को मत छोड़ो, हर पॉइंट को समझ लो, कहीं नीट में, कहीं JEE में, कहीं MHT CET में, कहीं 11th 12th की फिल इन द ब्लैंक में, कहीं भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। एक यूनिट दे देगा और आपको पूछेगा कि ये डिराइव्ड यूनिट है कि SI यूनिट है, बताइए डिराइव्ड यूनिट है या फिर फंडामेंटल यूनिट है। कोई क्वांटिटी आपको दे देगा वो एंट्रेंस एग्जाम में आपके, कि ये क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। देखिए, कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन किसी भी तरह से तैयार होता है,
भले ही आपको लगे कि डायरेक्ट क्वांटिटी इजी है समझने में, फंडामेंटल क्वांटिटी इजी है समझने में, लेकिन आपको आपने सच में उसे एक्चुअल समझ लिया है क्या, ये जरूरी है। अगर उस पर क्वेश्चन उसने थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया तो आपको आएगा क्या। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने फोकस करके कॉन्सेंट्रेशन करके समझा सातों क्वांटिटी कौन सी है, फंडामेंटल सातों के यूनिट कौन से है, उसके सिंबल कौन से है, तो वो किसी पर भी क्वेश्चन तैयार कर सकता है। क्वांटिटी पूछ लेगा, कभी उसका यूनिट पूछ लेगा, कभी उसका सिंबल पूछ लेगा, कभी डिराइव्ड क्वांटिटी पूछ लेगा, उसका यूनिट उसका सिंबल पूछ लेगा, कभी डेफिनेशन दे देगा, ये डेफिनेशन राइट है या रॉन्ग है, डिराइव्ड क्वांटिटी की डेफिनेशन है कि फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन है, कैसा भी क्वेश्चन तैयार कर सकता, क्वेश्चन कैसा भी तैयार होता है, ठीक है, वो आपका नॉलेज चेक करना। इसलिए आपको डिटेल में पता होना चाहिए और आपको सभी चीज़ें उसमें समझनी होगी जो मैं आपको समझा कर देने वाला हूँ, ठीक है। तो हमने देख लिया इस वीडियो में फिजिक्स यानी क्या, उसके बाद में यूनिट यानी क्या, उसके बाद में क्वांटिटी यानी क्या होता है, फिर फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं और डायरेक्ट क्वांटिटी किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये जितना हो सके उतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थ्योरेटिकल पॉइंट मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपके सामने अगर थ्योरी आती है तो आप वो पॉइंट को लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और बाद में अगर उससे आप रीड करते हैं तो आपके माइंड में और वो आकर बैठ जाता है, फिट हो जाता है, ठीक है। फिर भी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें भी इस नॉलेज मिल जाए। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ताकि सब्सक्राइब करो तो आपको अलर्ट हो कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता तो चले, ठीक है। क्योंकि मैं वीडियो की सीरीज शुरू करने वाला हूँ, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, वीडियो कंटिन्यू होते रहेंगे, ठीक है। ये जो 11 का एक्चुअली चैप्टर है, यूनिट एंड मेजरमेंट, जो हमने स्टार्ट किया है, इस चैप्टर में के जो टॉपिक्स है वो JEE में भी यूज़फुल है, नीट में भी यूज़फुल है, CET में भी यूज़फुल है और 11th में भी यूज़फुल है, ठीक है। तो ओवरऑल सबको समझने की कोशिश कीजिए, थ्योरेटिकल मटेरियल आपके पास होता है, ठीक है, आप वो पढ़ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम आया तो मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगला लेक्चर में हम अगले टॉपिक पर आ जाएंगे। ओके, चलो बाय।